इस समय मेरे साथ है अभिषेक कुमार। अभिषेक, ट्रॉफी नहीं, दिल जीत कर निकले हैं आप तो। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने ट्रॉफी नहीं जीती, ऐसा लग रहा है कि मैं ही जीत गया हूँ, क्योंकि बाहर आके जैसे सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने अच्छे से मिल रहे हैं, तो आपने भी, इन्होंने मुझे जय श्री राम जी की मूर्ति दी, वो बहुत स्वीट जेस्चर था, तो आपने भी इतना अच्छा स्वीट जेस्चर दिखाया, तो पता चलता है कि लोगों ने पसंद किया। जी हाँ अभिषेक, आप जब थे तब आपको लग रहा था कि मैं टॉप टू में पहुंचूंगा या विनर ही बनूंगा, ये था या था कि नहीं पहुंच पाऊंगा टॉप थ्री में भी? मैम, मैं फर्स्ट डे से ही एज अ विनर ही खेल रहा था कि मुझे विनर बनना है और सबसे अलग रहना है, अलग से दिखना है कि मैं हूँ कुछ, जो मेरी पर्सनैलिटी है, और वो ऑटोमेटिकली वो जैसे आप होते हो निकल आते हो, आप दिखते रहते हो, तो पहले दिन से ही मुझे था कि मुझे जीतना है और बस वैसे ही खेला मैं वैसे ही खेला और टॉप टू में भी आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बाकी मुनव्वर के अलावा कोई और जीता तो बुरा लगता, मुनव्वर जीत गया तो बात नहीं। किसी और, मतलब मुनव्वर के अलावा और कौन जीता तो सबसे बुरा लगता? कोई भी जीतता, मुनव्वर के अलावा कोई भी जीतता तो मुझे बुरा ही लगता। मुझे तो यही था कि मैं ही जीतूं, बट जीतने के बाद वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर भगवान ने कुछ नहीं किया तो कुछ सोच समझ के नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आप आगे बहुत अच्छा है। तो ना जीत के भी मैं जीत गया, मुझे उसमें बहुत खुशी है।